और किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि मैं धमकी दूं और वो मर। देखिए तकलीफ तो कोई भी पेट पे मार के दे देगा, लेकिन ओरिजिनल मार जो होती है वो अल्लाह के अलावा सोच कोई नहीं है। मार सकता, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा हमारे अंदर एक एकता बनाई है। और मैं तो बोलूं कि ये धमकी वमकी देना है, ये मुझे लगता है ये अच्छे लोगों का काम नहीं, ये मीठे लोगों का काम है। और वो लोगों की ये सोच है कि धमकी से ये आदमी मर जाएगा, कल जो उनका एक आंसू निकला है वो आंसू हमारे उत्तर भारतीयों का आंसू था, वो उनका आंसू नहीं था। हाशिम भाई, आज आपने हम लोगों को यहाँ पे बुलाया है, कोई बात आपको रखनी है शमीम भाई के ताल्लुक से, के दुबई से उनको धमकी आई। कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश दिखा, कल कुछ लोगों ने भी इस पर आपत्ति जताई, क्या कुछ कहोगे, क्या बताना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं सबसे पहले आपके न्यूज के माध्यम से बता दूं कि ये चुनाव का दौर चालू है और सब एक दूसरे की टांग खींचने के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे बहुत शर्म आती है कि इस तरीके की जो राजनीति होती है, किसी को पर्सनल टारगेट करना और किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना, चाहे वो कोई भी हो, मैं नाम लेने के वक्त नाम भी ले सकता हूँ और आज बिना नाम के भी बोल सकता हूँ। और अगर देखा जाए तो उत्तर भारतीय जो होते हैं हम लोग, जो यूपी से बिलोंग करते हैं, और हमारे जो अध्यक्ष शमीम खान जी, मैं उनको प्रेसिडेंट बाद में समझता हूँ, पहले वो हमारे बड़े भाई है, क्योंकि वो हमारे यूपी से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए हमारे बड़े भाई है। और उनके तक आने के लिए तो मुझे, मैं बता दूं कि ताकत चाहिए, ताकत। देखिए तकलीफ तो कोई भी पेट पे मार के दे देगा, लेकिन ओरिजिनल मार जो होती है वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं मार सकता है। और किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि मैं धमकी दूं और वो मर जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। और हम सारे उत्तर भारतीय उनके साथ में हैं। और आज अगर कुछ लोग अगर ये सोच भी रहे होंगे कि उत्तर भारतीय कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये फितना भी आपने ही फैलाया, उत्तर भारतीय। नहीं तो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके पास हर धर्म के लोग, हर गांव के लोग, हर जगह के लोग आते हैं और उनका काम होता है। ऐसा नहीं है कि वो सियासत में है, आज एमएलए इलेक्शन है तो उन्होंने किसी का काम किया और बाद में नहीं किया। देखिए थोड़ा बहुत तो सास बहू में भी झगड़े हो जाते हैं, तो ये हम लोगों का अगर आपसी कुछ मैटर होता है वो मजा ले रहे होंगे तो वो आपकी गलत सोच है, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा हमारे अंदर एक एकता बनाई है। और मैं तो बोलूं कि ये धमकी वमकी देना, ये मुझे लगता है ये अच्छे लोगों का काम नहीं, ये मीठे लोगों का काम है। और वो लोगों की ये सोच है कि धमकी से ये आदमी मर जाएगा, कल जो उनका एक आंसू निकला है वो आंसू हमारे उत्तर भारतीयों का आंसू था, वो उनका आंसू नहीं था। लोग सोच रहे होंगे शमीम खान रो दिए, शमीम खान रोए नहीं है, ये हम लोगों का आंसू था, उत्तर भारतीयों का आंसू था। और हम लोग जो यूपी से बिलोंग करते हैं, हम अल्लाह के अलावा किसी के बाप से नहीं डरते, ये याद रखना। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि चुनावी माहौल है, नजीब मुल्ला के कार्यकर्ताओं में इतना मतलब देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी मेहनत कर रहे हैं, साथ ही शमीम खान बढ़ चढ़ कर मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये धमकी उस वजह से तो नहीं आ रही। देखिए राजनीति, मैंने आपको पहले ही बताया, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन पर्सनल किसी को टारगेट करके इस तरीके से डरा कर, देखिए उनके भी बीवी बच्चे हैं और आगे उनका, मैं तो देखूं अल्लाह माफ करे कि उन्होंने कितने गरीबों के लिए भी काम करते हैं, ऐसा नहीं कि वो पॉलिटिक्स में है तो ही करते होंगे, ऐसा भी मैंने कई बार ऐसे काम कराया है, कोई भी ऐसा पर्सनल काम होता है, शादी ब्याह हो, वो हर चीज में अगर वो आदमी इन्वॉल्व होता है, तो मैं सोचता हूं कि वो राजनीति के हिसाब से नहीं करते। और राजनीति के हिसाब से कोई अगर धमकी देता है तो वो गलत सोच है और ये अच्छी चीज नहीं है, ये इससे पता चलता है कि हम लोग लिच्छड़ लोग है, ये याद रखना। मुंबई में शमीम खान की छवि को बर्बाद करने के लिए तो ऐसा नहीं किया जा रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई छवि बर्बाद नहीं होने वाली है, क्योंकि मुंबई में अगर उत्तर भारतीय देखा जाए तो सबसे ज्यादा तादाद में है, और जितने भी हैं वो शमीम खान जी के चाहने वाले लोग हैं, ये वो लोग नहीं है कि भाई अगर वो उनकी पार्टी में है तो ये उनकी पार्टी में है तो, लेकिन उत्तर भारतीय के लिए एकता बना के हम लोग लड़ने की आदत है हम लोगों को, और हम लोग लड़ते हैं, क्योंकि उत्तर भारतीयों को आज के लोग कहीं भी कोई भी कुछ भी बोल देता है तो ये गलत सोच है, हम सिर्फ चुनाव के लिए एकदम शांत बैठे। कई बार तो जो है ये भी उनको धमकी दी गई कि शमीम भाई को के आपको ईडी लग जाएगी और देखिए कल उन्होंने हैरेसमेंट, देखिए कैसा है, जिसका साथ अल्लाह देता है उसका
बंदा कुछ नहीं उखाड़ने वाला है, ये याद रखना। मैंने कल भी एक स्टेटस डाला है कि आपके साथ दुआएं, लोगों की दुआ, और ईडी वीडी से क्या होने वाला है। ईडी वो किसके पीछे लगती है वो मालूम है क्या आपको? बीजेपी वाले में, जिसको बीजेपी में जाना रहेगा ना, वो पहले बेचारा कहीं दूसरी जगह जाने से पहले उसको ईडी के डर देके भेज देते। लेकिन ये वो शमीम खान है, वो कभी कहीं किसी के उस पे डराव दबाव पे ये सब पे आकर वो कहीं बीजेपी में जाने की सोच उनकी नहीं रहेगी। कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो टूटने वाले ही नहीं है। उनके साथ में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे उत्तर भारतीय लोग हैं, वो कभी टूटने वाले नहीं है, ये रखना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह की जात पे यकीन और भरोसा रखने वालों में से है। हाशिम भाई, आपका एक डायलॉग बहुत जबरदस्त था कि जिसके बड़े टावर, जिसका पावर उसका टावर। देखिए वो डायलॉग अपनी जगह है, उस पे मैं बोल रहा हूँ कि इस वक्त ऐसा माहौल नहीं लग रहा है कि दो पार्टियां जो है अपने अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। हाँ, वो गलत है। मैंने आपको बताया ना, किसी के पर्सनल पेज पे मत जाओ। आपके अंदर अगर ताकत है तो आप लड़िए ना, का मना किए। आप अपना रैली निकाले, आप अपना भाषण दे, आप अपना न्यूज के माध्यम से उनको संदेश दे, कुछ नहीं होने वाला है ना। जो संदेश है वो तो जनता देगी 20 तारीख को, और 23 तारीख को हम संदेश देंगे। वो अपनी जगह है राजनीति। जनता से किस तरह की अपील करेंगे आने वाले चुनाव को? देखिए मैं जनता से अपील करूंगा कि, देखिए जनता से अपील भी बोले तो मैं अपील मेरी करूंगा, लेकिन वो तो जनता जवाब अपने हिसाब से ही देगी। लेकिन फिर भी मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आने वाली 20 तारीख हमारे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का ये है निशानी है, आदमी तुतारी बजाता हुआ, और पहला एक नंबर पे उनकी निशानी है। जो आप पूरा उनको दबाकर ये करें, चौथी बार उनको कामयाब करें, ये अवार्ड साहब की निशानी है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाली 20 तारीख को पहला बटन दबाकर उनको फिर से चौथी बार अपना आमदार बनाइए। क्या लगता है कितनी लीड से इस बार जितेंद्र अवार्ड साहब जीत जाएंगे? देखिए हम लोगों ने तो एक ही माना था कि 1,00,000 अब की बार क्रॉस, लेकिन देखेंगे जनता अगर दिल से अगर चाहती, और मुझे लगता है कि चाहती होगी, क्योंकि जो आज सैलाब देख रहे हो मुमरा कलवा में, तो ये चाहने वालों का सैलाब है, तो इंशाल्लाह आएंगे।